नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, किसानों को गुमराह करने वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दरअसल किसान आंदोलन की जद में विपक्ष ढोंग रच रहा है, अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि जो है उसकी जो योजना है इसकी 7वीं किस्त की जो राशि है वो किसानों के खातों में ट्रांसफर की, और इसी मौके पर उन्होंने देश के किसानों को भी संबोधित किया। ना सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि तमाम बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने अपने अपने इलाकों में, फिर चाहे वो स्मृति ईरानी हो, उन्होंने अमेठी में किसानों को संबोधित किया, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किसानों को संबोधित किया। इसके अलावा दिल्ली के महरौली में अमित शाह ने किसानों को संबोधित किया है। यानी एक बड़ी फौज केंद्रीय मंत्रियों की आज किसानों के बीच पहुंची, जहां उन्हें संबोधित किया, और कहीं ना कहीं कृषि कानून को लेकर जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, इस बीच किसानों को समझाने की बेहद जरूरत है। और इसी कड़ी में यह दरअसल पूरा जो प्रोग्राम है बीजेपी की तरफ से आज रखा गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज किसानों को संबोधित किया है, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। आपको बता दें, देश के अलग अलग राज्यों के किसानों के साथ प्रधानमंत्री ने सीधा संवाद किया और साफ तौर पर उनसे जाना कि किस तरीके से मोदी सरकार ने जो तमाम योजनाएं किसानों के लिए चलाई है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्रेडिट कार्ड योजना हो या फिर बीमा योजना हो, या जिस तरीके से ये पीएम किसान सम्मान निधि की जो योजना चलाई गई है जिसके तहत हर 3 से 4 महीने में किसानों के खाते में 2,000 रुपये पहुंच रहे हैं, इसको लेकर वो किस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं, किस तरीके से इसके जरिए उन्हें लाभ पहुंच रहा है, तो तमाम बातों का जिक्र इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के साथ किया। आपको बता दें, तमिलनाडु के किसान, हरियाणा के किसान और उत्तर प्रदेश और तमाम राज्य अलग अलग जिनके किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीधा संवाद किया है। यानी साफ तौर पर यह वो दर्शाता है कि किस तरीके से विपक्ष अपनी घटिया राजनीति पर उतर आया है, लेकिन वहीं देश के किसान कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, उनकी सरकार के साथ है। यह साफ तौर पर दर्शाता है जिस तरीके से अलग अलग राज्यों के किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। दरअसल जब किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कर रहे थे अलग अलग राज्यों के किसान, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दरअसल जो 2,000 रुपये की किस्त उनके खातों में पहुंच रही है, जो क्रेडिट प्रधानमंत्री क्रेडिट कार्ड के जरिए उन्हें फायदा मिल रहा है, तो इन जो रुपयों का इस्तेमाल है वो कहीं ना कहीं खेती में वो कर रहे हैं, फिर चाहे वो कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग खेती में करना हो या फिर खाद का प्रयोग करना हो, तो इन तमाम बातों का जिक्र इस पूरी बातचीत में किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत के दौरान ये भी साफ कर दिया और विपक्ष को साफ संदेश दे दिया है कि विपक्ष दरअसल लगातार किसानों को बहकाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये बात सामने आ रही है कि दरअसल किसानों से उनकी जमीन छीन ली जाएगी, MSP खत्म हो जाएगा और मंडियां बंद हो जाएगी, तो इन तमाम जो ये भ्रम है जो फैलाए जा रहे हैं लोगों के बीच, इनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर सच्चाई सामने रखी। उन्होंने कहा कि कोई भी मंडियां बंद नहीं हो रही है, MSP चालू था, है और रहेगी, ये भी साफ किया, और साथ ही ये भी कहा कि दरअसल जो आपकी फसल है उसका कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो आपकी जमीन भी चली जाएगी। ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपकी जमीन आपसे कोई नहीं छीन सकता है, इसका आश्वासन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को दिया है। यानी विपक्ष एक और आंदोलन की जद में अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके केंद्रीय मंत्रियों की एक बड़ी फौज आज किसानों के बीच है और किसानों को हर तरीके से समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है। ना सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि दिल्ली के महरौली में अमित शाह ने भी किसानों को संबोधित किया। वहां संबोधन में उन्होंने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास दरअसल कोई मुद्दा नहीं है जिसके चलते वो किसान आंदोलन में अब कूद पड़ा है। उन्होंने भी साफ तौर पर किसानों को आश्वासन दिया कि MSP बंद नहीं होगा, मंडियां बंद नहीं होगी, और उन्होंने कहा कि MSP पर दरअसल गुमराह करने की पूरी कोशिश कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसानों के हित में बीजेपी का कार्य, मोदी सरकार का कार्य लगातार जारी है और वो जारी रहेगा। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने अमेठी में किसानों को संबोधित किया। उन्होंने भी वहां के किसानों को समझाने बुझाने की पूरी कोशिश की और बताया कि आखिर इस नए कृषि कानून के फायदे क्या हैं, किस तरीके से अगर वो इसके तहत खेती करते हैं तो आने वाले वक्त में उन्हें इसका फायदा होगा। राजनाथ
सिंह ने भी यही बात कही। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी हापुड़ में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने वहां तमाम जो किसान है, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान है वो भी कहीं ना कहीं कुछ किसान इसके विरोध में है तो कुछ समर्थन में आए हैं, उनको भी वहां संबोधित किया गया। यानी तमाम जो बड़े नेता है बीजेपी के वो आज किसानों के बीच पहुंचे और उनसे बातचीत की। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ किसानों से बातचीत की, उन्हें इस कृषि कानून के फायदे गिनाए, इस नए कानून के जरिए वो किस तरीके से अपनी खेती को बेहतर कर सकते हैं इसके बारे में बताया, बल्कि उन्होंने विपक्ष को भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने विपक्ष के भी तमाम सवालों का जवाब दिया और कहा कि विपक्ष लगातार झूठ फैलाने का काम कर रही है और वो करती रहेगी, क्योंकि उनके पास फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है और उनका कार्य ही यही रहा है। आपको बता दें, लगातार जो विपक्ष है, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, लगातार किसान आंदोलन में जो किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं उनके बीच तो नहीं पहुंच रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए लगातार उन्हें बहकाने की कोशिश उनकी जारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि विपक्ष के बहकावे में किसान ना आए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए ये पूरा ढोंग रच रही है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही पश्चिम बंगाल को लेकर। जी हां, पश्चिम बंगाल में दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि जो है वो योजना जो है वो जारी ही नहीं हुई है। यानी वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस योजना को पश्चिम बंगाल में लागू करने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल डायरेक्ट पैसा जो केंद्र सरकार किसानों के खाते में भेज रही है वो डायरेक्ट ना भेजकर राज्य के खाते में भेजे और उसके बाद हम किसानों को देंगे। इस पर केंद्र सरकार राजी नहीं थी, जिसके बाद बातचीत जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के बीच नहीं हो पाई, तो इसको लेकर वो योजना लागू नहीं की गई। उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधा कि सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहां पर यह योजना लागू नहीं हुई है। यह ऐसी योजना है जिसका लाभ हर किसान को मिलना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल के जो किसान है वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो यानी पश्चिम बंगाल को साधने की पूरी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि वो आखिर क्या चाहती है, लोगों के हित में वो कार्य नहीं कर रही है, ये भी इससे साफ जाहिर हो जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो किसानों का पैसा रोक रही है, बंगाल के किसानों के साथ अन्याय कर रही है, ये अहम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर जो खेल विपक्षी पार्टियां खेल रही हैं वो आने वाले वक्त में किसान कहीं ना कहीं समझ भी चुके हैं और आने वाले वक्त में उससे अच्छे से वाकिफ हो जाएंगे। इसके अलावा कहा कि किसानों के भविष्य के साथ जो है विपक्षी पार्टियां लगातार खिलवाड़ कर रही हैं अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए। वहीं आपको बता दें, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और इस मौके पर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में दरअसल तमाम योजनाएं किसानों के लिए चलाई गई, फिर चाहे वो ऋण सस्ता करने की योजना हो या फिर तमाम अलग अलग योजनाओं का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए क्या कार्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है वो हर कोई जानता है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अटल जी का दरअसल पूरा जीवन ही राष्ट्र के नाम रहा है, यानी राष्ट्र के लिए पूरी तरीके से समर्पित रहे अटल जी, और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार उनकी ही योजनाओं को, उनके ही कार्य को आगे बढ़ा रही है। यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि गरीबों से लेकर किसानों तक के लिए उन्होंने बेहतरीन कार्य किया है और तमाम योजनाएं चलाई हैं जिसको अब मोदी सरकार आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा आज उन्होंने कहा कि क्रिसमस डे है, इस पर उन्होंने देशवासियों को क्रिसमस डे की बधाई दी। वहीं आज गीता जयंती भी है, उसकी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। यानी आज एक खास दिन है, इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस दिन इसलिए ही उन्होंने किसानों को संबोधित किया है और कहीं ना कहीं जो पीएम किसान सम्मान निधि की सातवीं किस्त है उसकी जो धनराशि किसानों तक पहुंची है उसका क्या फायदा किसानों को मिल रहा है, इसलिए उन्होंने किसानों के साथ सीधा
सीधा संवाद किया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर किस तरीके से किसानों को जो डायरेक्ट लाभ है वो मिल रहा है, गरीब किसानों को फायदा हो रहा है, किसान अपनी खेती को बेहतर बना रहे हैं और कहीं ना कहीं अलग अलग फसलों के जरिए वो उनकी जो खेती है वो बेहतर हो रही है, उनकी कमाई बढ़ रही है। तो तमाम बातों का जिक्र अलग अलग राज्यों के किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपको बता दें आज पीएम किसान सम्मान निधि की सातवीं किस्त की रकम 2,000 रुपये जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट किसानों के खाते में डाली है, उसमें आज 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में यह रकम पहुंचाई गई है और यह रकम करीब 18,000 करोड़ रुपये है। यानी लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी सरकार है, वो किसानों के हित में कार्य कर रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष बहकाकर, फुसलाकर और कहीं ना कहीं किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ वहां कर रहा है। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भी मुंहतोड़ जवाब आज विपक्ष को दे दिया है। यानी विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब आज उन्हें मिल गया है और अब किस तरीके का रुख किसान अपनाते हैं तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल कृषि मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक तमाम लोग ये बातें कह चुके हैं कि दरअसल जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, नए कृषि कानून को बेहतर नहीं बता रहे हैं, उन्हें एक बार जरूर समझना चाहिए, सच्चाई जरूर देखनी चाहिए। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो आंदोलन चल रहा है उसे किसान खत्म कर दे, उसे त्याग दे और सरकार के साथ बातचीत करे। आपको एक बात और बता दें कि सरकार लगातार किसानों को आमंत्रित कर रही है कि वो आए और सरकार के साथ बातचीत करे। यानी बातचीत के सारे रास्ते सरकार ने खोल दिए हैं, लेकिन कुछ किसान संगठन है या कह सकते हैं कि कुछ चुनिंदा किसान हैं जो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी के बहकावे में आकर लगातार वहां डटे हुए हैं, जिनको सरकार सीधा संदेश ये दे रही है कि आए और बातचीत करें, बातचीत के जरिए इस पूरे मसले का हल निकालने की कोशिश सरकार पूरी तरीके से करने जा रही है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।